एक वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई दवाई लगी हुई है, जैसे ब्लड प्रेशर की होगी या वो आपकी जो लगी हुई है वो लेके आओ। ये जो दवाइयाँ हैं ना, नज़ला जुकाम, पेट दर्द, ये वो, ये यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। और वैसे भी मैंने एक बार नोटिस किया है कि जब आप यहाँ की मेडिसिन वगैरह खाने लग जाते हो, आपका जो बॉडी है वो भी उसी तरह हो जाता है, ठीक है? क्योंकि बाद में जब आप इंडिया की दवाइयाँ खाओगे ना, तो आपको थोड़ा सा फ़र्क लगेगा। बल्कि इंडिया की जो दवाइयाँ हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ है, ठीक है? मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, अगेंस्ट नहीं कह रहा हूँ, बाकी आप अपने डॉक्टर से सलाह लो, ठीक है? मैं तो जस्ट अपना रेयर एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, डैट सेट। क्योंकि मेरे को बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि क्या हम मेडिसिन लेके आ सकते हैं, अगर लेके आ सकते हैं तो कितनी लेके आ सकते हैं, कौन कौन सी लेके आ सकते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप जब भी आओ अपनी मेडिसिन उतनी ही लेकर आओ जितनी आपको ज़रूरत है, कोई लिफाफे वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा वेस्ट हो चुका हुआ है। ये दवाइयाँ वेस्ट, चलो मैं तो कहता हूँ ज़रूरत पड़े ना किसी को, फिर भी वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा फ़र्ज़ था, राइट? तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है? और अपने डॉक्टर से लिखवा कर लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा प्रूफ देना पड़ेगा। और वो कभी भी दवाई मत लेके आना जो यहाँ पर वैलिड नहीं है, ठीक है? आपको वो पता होगा, वैसे भी आपको मेडिस्टोल से वो मिलेगी ही नहीं, ठीक है? और अवेलेबल ही नहीं होती है। तो ये सारे बातें थी जो आपको बतानी जरूरी थी, क्योंकि अभी टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भी आने वाले हैं लोग, नए सब्सक्राइबर्स मेरे जो हैं वो भी आने वाले हैं, ठीक है? तो उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई और क्वेश्चन है नीचे कमेंट जरूर करना, बनाएंगे उसके ऊपर वीडियोस। थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये सारी जो मेडिसिन्स हैं ये सारी एक्सपायर हो चुकी हुई हैं, नए पत्ते हैं, ये देखो एक बारी भी यूज़ नहीं हुए। मैं तो कहता हूँ कि ना ही यूज़ हो, ये देखिए ये सारा एक्सपायर हो चुका हुआ। अभी मैंने और भी निकालनी है, ठीक है? ये कॉम्बी फ्लेम वगैरह, ठीक है? ये सारे एक्सपायर हो चुके हैं, मतलब एक्सपायर हो गए। और एक एक की कीमत चेक करिए कितनी है, ये देखिए 88.93। और उसी तरह ये देखिए, ये भी 88.93। और डेट चेक करो, एक्सपायर जो हुआ है वो 8th of 2021। बहुत सारी मेडिसिंस, जैसे पैरासीटामोल हो गई, सर्दी की हो गई, खांसी की हो गई, ये सारी लेके आया था 2019 में जब मैंने फर्स्ट टाइम आना था, ठीक है? और बाद में मेरे को ये नहीं पता था कि सारी जो मेडिसिन्स हैं वो यहाँ पर भी मिल जाती हैं। और अगर मिलती हैं यहाँ पर, जो मेरी सोच थी आप ही की तरह, अभी आप वहाँ पर हो, आपको नहीं पता कि यहाँ पर आपको डॉलर्स में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है? वो महंगी होती है, ठीक है? मैं बहुत सारी मेडिसिन लेके आया था साथ में, विद प्रूफ, डॉक्टर से लिखवा के, प्लस मेडिकल स्टोर से जो बिल बनवाया था पक्का, सारी चीज़ें। बल्कि मैं अपनी वाइफ की, डॉटर की सारी मेडिसिन्स लेके आया था, लेकिन यहाँ पर मुझे बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, आज वो मुद्दा है, क्योंकि आप भी यहाँ पर आने वाले हैं। गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस, आप सपोर्ट कर रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, जहाँ पर भी मुझे मिलते हैं मुझे बुलाते हैं, ये सभी का प्यार है। आज मैं पार्क में गया, एक सब्सक्राइबर था, शायद वो वीडियो देख भी रहे होंगे, उनका नाम था राहुल। बहुत खुशी होती है जब मुझे मेरा कोई सब्सक्राइबर मिलता है और खुद बुलाता है। देखो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, रिगार्ड होता है। अगर आप मुझे जानते हैं, मुझे कुछ मानते हैं, मेरी वीडियोस देखकर आपको कोई हेल्प मिली है, तो कभी भी आप मत झिझकाना मुझे बुलाने में, ठीक है? मैं आपकी तरह ही हूँ। कई झिझक जाते हैं कि नहीं नहीं यार ये बड़ा बंदा होगा, मैं बिल्कुल नीचे हूँ, आपके जैसा हूँ, आपका फैमिली मेंबर की तरह हूँ। कल मैं गया था हबर टाउन, वहाँ पर इंडियन स्टोर के ऊपर मैं खाने पीने के लिए गया, वहाँ पर एक लड़की काम कर रही थी तो उसने भी मुझे पहचान लिया। कई लोग PTE टिप्स एंड ट्रिक्स, जो मेरा चैनल है, वो देखकर पास हो गए हैं वीडियोस, और कईयों को मैंने इमिग्रेशन और वीज़ा के रिलेटेड जो रियल एक्सपीरियंस शेयर किया है वो वाला, वो देखकर मुझे जान लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर आओ एडिलेड में या मुझे देखो तो प्लीज मुझे बुला लेना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस आज का मुद्दा ये है कि अगर आप ये सोचते हो कि हम
ऑस्ट्रेलिया जब आएंगे तब हम कौन सी और कितनी मेडिसिन लेकर आए और क्या मेडिसिन लेके आना जरूरी है या नहीं, आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ही की तरह मेरी भी सोच है, सोच थी, ठीक है।